अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक सीरीज गिवन हो तो हम उसकी टर्म्स को ऐड किस तरह से कर सकते हैं, और इस लेक्चर में हम उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से मेरे पास एक एग्जाम्पल वन है। हम डिफरेंट टाइप की एग्जाम्पल दो सॉल्व करेंगे जिसमें दो डिफरेंट मेथड से उस फार्मूले को यूज किया जा सकता है। अच्छा, तो पहली जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द 90th टर्म। आपने क्या फाइंड करना है, पहले तो 90th टर्म मतलब आपने A19 फाइंड करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, पार्शियल सम ऑफ द 19 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। पार्शियल सम ऑफ द 19 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज, कि जो अरिथमेटिक सीरीज बनेगी ना, आपने उसकी फर्स्ट 19 टर्म्स का सम फाइंड करना, मतलब आपने S19 फाइंड करना है। ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। और जो सीरीज है ना वो आपके पास, वो भी उसने बताई हुई है कि वो सीरीज जो है वो 2 है प्लस 7/2 है प्लस 5 है, उसके बाद प्लस 13/2 है प्लस, मतलब ये आपके पास एक सीरीज चल रही है और ये इसको यूज करके आपने ये चीजें फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने इसमें क्या करना है, पहले आपने 90th टर्म फाइंड करने, क्योंकि ये जो टर्म्स गिवन है ना बेसिकली ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो अगर मैं प्लस हटा दूं ना तो बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की कुछ हमारे पास टर्म्स गिवन है ये वाली, तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे, जो 90th टर्म है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो nth टर्म होती है आप वो यूज करोगे a1 प्लस n-1d। चूंकि मुझे 90th टर्म चाहिए तो आप देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो a1 आ रहा है मेरे पास 2, और डिफरेंस के लिए क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, मतलब 7/2 -2 अगर आप करें तो d आपके पास क्या आ जाएगा 2, 7 -4 तो डी आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब चूंकि मैंने 90th टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, पुट एन इज इक्वल्स टू 19। सो A19 इज इक्वल्स टू A1, A1 क्या है 2 है प्लस, और n-1 मतलब 19-1, और डी आपके पास क्या है 3/2 है। सो आपके पास A19 क्या आ जाएगा 2 प्लस, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सो ये 9 आ जाएगा। सो जो 90th टर्म है ना वो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 9, 3 कितना आ जाएगा 27, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27। सो जो 90th टर्म थी ना वो आपके पास क्या आ जाएगी 29 आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो जिस सीक्वेंस है ना ये सीरीज बनी है उस सीक्वेंस की 90th टर्म ये आ गई है, ठीक है। तो वो आपने फाइंड कर लिया, तो मतलब इस सीरीज की भी 90th टर्म ये होगी 29। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या आपने फाइंड करना है कि आपने जो सीरीज बनेगी ना उसके आपने फर्स्ट 29th टर्म्स का, सॉरी फर्स्ट 19 टर्म्स का आपने सम बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फार्मूले मैंने दो बताए थे, एक फार्मूला था आपके पास n/2 इंटू a1 प्लस n, सॉरी an, और दूसरा इसी को सिंप्लीफाई किया था तो आ गया था n/2 a1 सॉरी 2 a1 प्लस n-1d, ठीक है। तो दोनों में से आप जो भी चाहें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो मुझे चूंकि S19 चाहिए तो मैं पुट n करूंगा 19 की इक्वल। सो S19 आएगा, n की जगह 19 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। सो S19 19/2, A1 की टर्म थी 2 और 19 अभी आपने निकाला 29। सो जो S19 होगा ना वो आपके पास क्या आ जाएगा, S19 ये आ जाएगा आपके पास 31 मल्टीप्लाई बाय 19 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 589, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज आपके पास चल रही है ना, अगर हम इसकी फर्स्ट 19 टर्म्स को ऐड करें तो आपके पास उसका आंसर आएगा 589/2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास थी फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे।
अच्छा, एग्जाम्पल नंबर टू में स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन है कि फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज, आपने अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करनी है अगर उसकी फिफ्थ जो टर्म है वो 19 हो और उसका जो सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म वो आपके पास क्या आ जाए, ए 9 + 1 आ जाए। ठीक है, ये दो चीजें आपने यूज करें, इससे पूरी आपने सीरीज फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब चूंकि आपके पास A5 जो है वो 19 है तो मैं इसको लिख सकता हूं, बल्कि आप इसको जनरल टर्म के थ्रू करें। आप लिखेंगे एज AN इज इक्वल्स टू A1 + N-1D। तो यहां आपने पुट N इज इक्वल्स टू 5 करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A5 इज इक्वल्स टू A1 + 5 - 1D। सो A5 आपके पास आ जाएगा A1 + 4D आ जाएगा। A5 की वैल्यू क्या है, 19 है। A1 अभी आपने फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, 4D। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, वो गिवन है S4, उसके लिए S4 गिवन है। तो आप लिखोगे एस एस एन इज इक्वल टू N/2 2A1 + N-1D, ये फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, N इज इक्वल टू 4 पुट करना है, तो S4 आ जाएगा 4/2 2A1 + 4 - 1, और D आपने फाइंड करना है, वो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, S4 की वैल्यू गिवन है आपको, S4 की वैल्यू क्या है, A9 + 1 है। S4 की वैल्यू क्या है, A9 + 1 है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके अलावा 2A1 + 3D आ जाएगा। सही है। अच्छा, A9 की जगह आप स्टूडेंट आप वैल्यू पुट करें, तो A9 आपको पता है किसकी जगह, A9 बेसिकली लिखा जा सकता है A1 + 8D + 1, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 4A1 + 3 2 = 6D आ जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ना, इस पूरी जो लिखा हुआ है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3A1, आपके पास क्या आ जाएगा, 3A1 - 1 = 2D आ जाएगा। इसको आपने 2 का नाम देना है। अगर इसको आप 1 में पुट करें ना, जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो स्टूडेंट वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए की, जो कि क्या है, 3 है। सही है। तो इसको आपने 1 में पुट कर देना है, पुट इन 1, तो वहां से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक हो गया, तो वो भी आपके पास आ गई। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करें जो अभी आपने यहां लिखी हुई है, तो आपके पास एक सीरीज आ जाएगी। थस द सीरीज, सीरीज क्या आ जाएगी, सीरीज आपके पास आ जाएगी 3 + 7 + 11 + 15 + 19 up to। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये टर्म्स कहाँ से आएंगे। स्टूडेंट, चूंकि अरिथमेटिक सीरीज है ना, तो आपको कोई भी टर्म चाहिए हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे An + A1 + N-1D। A1 आपको पहले से पता है 3 है, आपको A2 चाहिए तो N की जगह 2 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा। आपको 3 चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, तो एन की जगह 3 पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा। जो टर्म्स आएंगे उनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक सीरीज आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।